आसमान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। 74 साल की उम्र में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। सियासत में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन रामविलास पासवान का व्यक्तित्व इसकी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता था। सरकार के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मित्रों की कमी नहीं थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन सांसों के डोर की ताकत अब जिंदगी को आगे तक नहीं थाम पाई। रामविलास पासवान के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के निधन से स्तब्ध हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मेरा दुख शब्दों से परे है। देश में आई इस कमी को भरना नामुमकिन है। मैंने अपना एक मित्र खो दिया है और ये मेरी एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अपना एक सहयोगी खो दिया है। सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि हर कोई रामविलास पासवान के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व की हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है। रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में है, आरजेडी से कांटे की टक्कर है। लेकिन जब रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो विपक्षी नेताओं की आंखें भी नम हो गई। देखिए, हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान को ईश्वर उनको जगह दे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामविलास पासवान सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी विरासत की चमक और विरोधियों को अपना बनाने की ललक हमेशा याद की जाएगी। आज तक ब्यूरो।